dear students, how are you all? I hope you all are super fine at your home. Today on day 24 September 2020, day Thursday, we are going to start our another video class. Okay? चलिए Thursday की spelling आप लोगों को अच्छे से पता होगी, लेकिन फिर भी आप लोग मेरे साथ spelling को spell कीजिए. चलिए T H U R S D A Y Thursday means गुरुवार. गुरुवार हफ्ते का चौथा दिन होता है. ओके, चलिए अब हमारे वीडियो क्लास की हम शुरुआत करते हैं. आज के हमारे सब्जेक्ट्स हैं बोलते अक्षर और लेट्स प्ले विद कलर्स. ओके, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बोलते अक्षर. चलिए बच्चों, आप लोग अपनी बोलते अक्षर की बुक निकालिए. और पेज नंबर आप लोग निकालेंगे 5. ओके, पिछली क्लास में आप लोगों ने पेज नंबर 4 पढ़ा था, जो कि था छोटी ई और बड़ी ई. ठीक है, छोटी ई से आप लोगों ने पढ़ी थी इमली और बड़ी ई से ईंक. चलिए आज मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ छोटा ऊ और बड़ा ऊ. ठीक है, छोटा ऊ से उल्लू और बड़ा ऊ से ऊन. चलिए फिर से रिपीट करते हैं हम. छोटा ऊ से उल्लू. उल्लू रात में उड़ता है. उल्लू कब उड़ता है? उल्लू रात में उड़ता है. आप लोग देख सकते हैं, रात में अगर आपको मौका मिले तो आप लोग नोटिस कीजिएगा, उल्लू रात में ही निकलते हैं. और ये कैसे होते हैं? भूरे रंग के होते हैं, इनकी बड़ी बड़ी आँखें होती है. ओके, ये लोग दिन में कभी बाहर नहीं आते हैं. चलिए बड़ा ऊ से ऊन. बड़ा ऊ से क्या होता है? ऊन. आप लोग स्वेटर पहनते हैं ना, ऊन का स्वेटर बनता है. ठंडी में हम लोग गर्म कपड़े पहनते हैं ना, वो क्या चीज़ के बने हुए होते हैं? ऊन के. जैसे कि हमारी मम्मी, दादी, नानी माँ, ये सब हमें स्वेटर बना के देती है ना, वो सब ऊन के स्वेटर होते हैं, जो कि बड़ा ऊ से ऊन होता है. ओके, ठीक है, एक बार हम और रिपीट करते हैं. छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन. इसी तरीके से बच्चों आपको घर पे पढ़ना है, ऐसे ही बोल बोल के. ये आपका होगा क्लासवर्क. क्लासवर्क लिख के आप लोग यहाँ डालेंगे आज का डेट 24/9/2020. ओके, ये हो गया आपका बुक में क्लासवर्क, जो कि था आपका बोलते अक्षर का. अब चलिए बच्चों, मैंने तो आपको बुक में समझा दिया छोटा ऊ और बड़ा ऊ. आपको यही चीज़ कॉपी में होमवर्क करनी है. यहाँ आप लिखेंगे ऊ, छोटा ऊ, छोटा ऊ. और इसी तरीके से आप लोग इसके नीचे खाली जगह पे लिखते जाएंगे. इसके बाद बड़ा ऊ. ठीक है, इसको भी आप लोग ऐसे खाली जगह पे लिखते जाएंगे, बोल बोल के आपको लिखना है. आप लोग लिखे, जब छोटा ऊ लिखेंगे तो आप लोग बोलेंगे छोटा ऊ से उल्लू, और बड़ा ऊ लिखेंगे तो आप लोगों को बोलना है बड़ा ऊ से ऊन. ऐसे बोलते बोलते ये खाली जगह को भरना है. ओके, ये आपका होमवर्क है. तो आप लोग यहाँ HW लिखेंगे, आज का डेट डालेंगे 24 September 2020, और ये वर्क अच्छे से साफ सुथरे हैंडराइटिंग में ये वर्क आप कंप्लीट करेंगे. ओके, ये आपका हिंदी का होमवर्क और क्लास वर्क यहीं कंप्लीट होता है. आप लोग अब अपनी दूसरी बुक निकालेंगे. दूसरी बुक आपकी है लेट्स प्ले विथ कलर्स. ओके, इसमें हम लोग कलर करना सीखेंगे.
पिछली बार आप लोगों को होमवर्क में मिला था ये लॉयन कलर करने के लिए, ओके। आज आप लोग पेज नंबर निकालेंगे 4। यहाँ ये क्या है बच्चों, ये पिक्चर देख के आपको क्या लग रहा है, ये क्या है, आउल है। आउल मीन्स उल्लू, अभी आप लोगों ने पढ़ा ना, छोटा उसे उल्लू। चलिए आज हम कलर में भी यही चीज़ करेंगे, छोटा उसे उल्लू को आज हम कलर करेंगे, ओके। देखिए यहाँ पे उल्लू का एक पिक्चर दिया हुआ है, इसमें आपको देखना है कौन सा कलर कहाँ पे है। यहाँ भूरा रंग है ना, इसी तरीके से आपको यहाँ भी भूरा रंग करना है इन पंखों में, ठीक है। आप लोग इनके पंखों में भूरा रंग करेंगे, वैसे ही यहाँ पे कुछ हेयर्स होते हैं, यहाँ भी आप भूरा रंग करेंगे। और उल्लू की जो चोंच होती है और इनके पैरों में कौन सा रंग करेंगे आप लोग, ऑरेंज रंग करेंगे, ओके। आप लोगों को क्रेयॉन्स का ही इस्तेमाल करके इस उल्लू को कलर करना है, आप कोई वाटर कलर नहीं यूज़ करेंगे और ना ही आप कोई स्केच पेंस यूज़ करेंगे, ओके। आप लोगों को मोम कलर यानी कि वैक्स कलर से ही आपको ये कलर करना है। चलिए ये आपका होमवर्क था, तो आप लोग यहाँ पे HW डालेंगे और आज का डेट डालेंगे 24 सितंबर 2020। यहीं आपका होमवर्क कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग अपना होमवर्क काफ़ी अच्छे से करेंगे। तब तक ले, बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।